हेलो गाइस, आज हम मटेरियल साइंस पढ़ेंगे जिसके अंदर यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। यूनिट सेल क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यूनिट सेल वो सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट फिगर। एंड वो फिगर रिपीट होता है थ्री डायमेंशन में, ठीक है, किसी भी एक एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, समझे? जस्ट मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी फिर से डेफिनेशन, तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपने ब्रिक वॉल देखी है? ब्रिक वॉल नंबर ऑफ ब्रिक से बनती है, और वो जो ब्रिक होता है रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, एक ब्रिक रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, और एक मतलब वैसी ही कई ब्रिक्स लगकर पूरी एक वॉल बनती है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि उस पूरी वॉल का यूनिट सेल, ठीक है, क्या हुआ? एक ब्रिक हुई। उस पूरी वॉल का यूनिट सेल एक ब्रिक हुई, और वो ब्रिक क्या है? रिपीटिशन में है। थ्री डायमेंशन में देखोगे तो भी थ्री डायमेंशन ही मिलेंगी, और रिपीटिशन में मिलेंगी, ठीक है, और उनको जोड़ जोड़ कर आपने क्या किया है? एक पूरी वॉल खड़ी की है, ठीक है, उनको उन ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर एक पूरी वॉल खड़ी की है। तो वो जो रेक्टेंगुलर शेप है ना, वो आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल का शेप है, ठीक है। इसी तरह से पूरे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपके पास यूनिट सेल वो सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, जो जो जिसके रिपीटी जो पूरा क्रिस्टल किससे बनता है? उस स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर से बनता है जिसके जो कि बार बार रिपीटेशन में होता है, ठीक है, जो कि रिपीटेशन में होता है। तो यूनिट सेल क्या हुआ? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, या आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। ये वो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है सच सच दैट, जो कि एक रिपीटिशन में भी होता है, ठीक है, सच के का रिपीटिशन ऑफ 3D डायमेंशन गिव्स द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको अगर हम 3D में रिपीट कर देंगे तो उससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। सच दैट द रिपीटिशन ऑफ विच gives the actual crystal structure, ठीक है, actual crystal structure, ठीक है, और unit cell, जो आपका unit cell है, and primitive cell, ये क्या है? दोनों ही same है, ठीक है, दोनों ही same है, same आपका meaning देंगे। जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में आपके पास गिने चुने 7 है प्रिमिटिव, और ब्राविस ने उनमें और 7 ऐड किए थे सेंटर। प्रिमिटिव आपको पता है क्यूबिक, ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, ठीक है, वो सब क्या है? प्रिमिटिव है, हेक्सागोनल, वो सब प्रिमिटिव है। उन छोटे छोटे क्यूब से आपके पास एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। उन छोटे छोटे क्यूब को जोड़ जोड़ के रिपीट करके एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसका एनालाइज करते हैं। मैं इसका एनालिसिस एक यूनिट सेल से लेके करूंगी। सबसे पहला जो हमारा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें भी सबसे पहले आपको मिलेगा सिंपल क्यूबिक, ठीक है। देखो, कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो देखो,
ये बना आपका एक क्यूब, ठीक है, ये बना आपका एक क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि ये जो क्यूब है, ये जो आपको क्यूब है, इस क्यूब के जो 8 कॉर्नर है, ये जो 8 कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एसोसिएटेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? AIM, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है एसोसिएटेड, जो जोड़ जिनसे आपका दूसरा क्रिस्टल क्या हो, जुड़ा हो। नाउ ये जो है इस तरीके से क्या है, अरेंज है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको 2D में दिखाऊं, ये मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन अगर मैं इसे 2D में दिखाऊं तो ये एक्चुअली 2D में कैसा दिखेगा मैं बताती हूँ आपको। कि देखो मैंने एक स्क्वायर उठा लिया, ठीक है, अब मुझे इसमें क्रिस्टल डाल, वो एटम एसोसिएटेड पार्टिकल्स डालने हैं, एटम आयन मॉलिक्यूल्स डालना है। तो कैसे होगा ये? इस तरीके से शेयरिंग हो रहा होगा, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 4 दिखेगा, 3D में 8 दिखता, अभी यहाँ पे 2D में 4 दिखेगा। और देखो ये जो एक एटम होता है ना, मैंने इसको बहुत बड़ा बनाया, आपको यूनिट सेल बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन यूनिट सेल इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये जो एटम है ना, ये एक एटम, ये दो एटम, ये सारे कनेक्ट होते हैं, मिले मिक्स होते हैं। और जो ये एक आपका पूरा, जैसे साइड मान लो ये पूरी एक साइड है, तो इसको ए मानेंगे, ठीक है, इसको ए माना। तो इस एटम का जो ये यहाँ से यहाँ का ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, a/2, समझ रहे हो। एटम है ये पूरा, और ये पूरा एक साइड है क्यूब की, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हुआ, रेडियस, तो रेडियस क्या हो गया, a/2, ओके। तो इस तरीके से सिंपल क्यूबिक में आपका जो एटम है इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि यहाँ पर आपने देखा 1, 2, 3, 4, ये तो 2D में देखा, 3D में देखोगे तो 8 दिखेगा। अब सपोज करो कि एक एटम, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे मानो एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा, ओके। मैं इसको टॉप व्यू दिखा रही हूँ, ऊपर से दिखा रही हूँ, ठीक है, 4 क्यूब ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने जब यहाँ पर एक एटम रखा इन चारों के बीच में, एटम क्या होता है, एटम का जो शेप होता है वो स्फीयर होता है, ठीक है, ये आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में 3D में देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। देखो अगर आप 3D में देखोगे तो ऐसे दो क्रिस्टल, दो स्क्वायर इसके पीछे छिप जाएंगे, ये जो दो है, अगर मैं इसको सामने से देखती हूँ तो ये दो इसके पीछे छिप जाएंगे, और जो आपका वो है क्या कहते हैं एटम है, वो इस तरीके से दिखेगा, जो कि आपको टॉप व्यू में ऊपर से ऐसे दिख रहा है, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ये देखो अभी भी यहाँ पे तो आपने 1, 2, 3, 4 नीचे की तरफ 4 क्यूब से, 4 यूनिट सेल से कनेक्ट है आपका एटम, और ऊपर भी ये 4 यूनिट सेल से कनेक्ट हो सकता है आपका एटम, इसके ऊपर भी आप 4 यूनिट सेल से अपने एटम को कनेक्ट कर सकते हो। यानी आपका जो एक पर्टिकुलर एटम है ना, वो 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो सकता है, समझ रहे हो। एक पर्टिकुलर जो आपका ये एटम है वो 8 यूनिट सेल को कनेक्ट करेगा, बस आप इतना बात समझ गए तो आप पूरा समझ गए, ठीक है। तो क्या करेगा, 8 को कनेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे इधर की तरफ एक जो आपका एटम होगा उसकी शेयरिंग किससे होगी, एक एटम की शेयरिंग होगी 8 लोगों से, तो 1/8 करके, 1/8 करके एक यूनिट सेल में एक एटम कितना शेयर कर रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शेयर कर रहा है, इस पूरे एक एटम का 1/8 हिस्सा वो इस पूरे यूनिट सेल को दे रहा है, बाकी 1/8 के अलावा बाकी हिस्सा बचे हुए यूनिट सेल्स को दे रहा है, ठीक है। तो देखो गाइस, इसके अंदर हमको क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है क्या, कि वो बोलता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी ये जो एक यूनिट सेल है
थ्री डी में देखना, हम टू डी देख रहे हैं, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितने आए। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एक क्यूब स्ट्रक्चर में आपको आठ एटम तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो आठों एटम शेयरिंग में है, ठीक है, सभी तो शेयर कर करके, ऐसे शेयर कर करके पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो क्या है, शेयरिंग में है। और एक एटम कितने की शेयरिंग में है, आठ की, आठ से एट शेयरिंग में है, आठ यूनिट सेल से शेयरिंग में है। तो एक एटम इस पूरे यूनिट सेल में किसी भी एक एटम का सिर्फ एक एक बटा आठवां हिस्सा ही आया है, ठीक है। तो टोटल कितने एटम आपके पास है इस पूरे, इसमें आठ एटम थे पूरे इस क्यूबिक सिंपल क्यूब में, आठ एटम आपको मिले और वो आठों के आठों एटम 1/8 की शेयरिंग पे है। और अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो कुल मिला के मुझे बस और बस एक ही एटम पूरे के पूरे क्रिस्टल, ये जो क्यूबिक सिंपल क्यूबिक का एक यूनिट सेल है उसमें पूरा का पूरा एक ही मुझे क्या मिला, एटम मिला, ठीक है। तो मुझे अब इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कि कितना आप, किसका टोटल वॉल्यूम, इन एटम्स का, ठीक है, इन एटम का टोटल वॉल्यूम, और किसमें, एक वन यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम एटम्स का कितना है, ठीक है। और दूसरा, और डिवाइडेड बाय जो आपका यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। आपको इसमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ की जरूरत है, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था कि एक एटम क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³, यानी हर एक एटम के लिए आप इस स्फीयर के वॉल्यूम को यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया एक सिंपल क्यूबिक में आपके पास आठ एटम थे जो कि 1/8 की शेयरिंग में थे, ठीक है, एक एटम आठ यूनिट सेल को जोड़ रहा है, एक एटम आठ यूनिट सेल से कनेक्टेड है, तो एक एटम, एक यूनिट सेल में एक एटम का आठवां हिस्सा ही आएगा, एक यूनिट सेल में एक एटम का आठवां हिस्सा ही आएगा क्योंकि वो आठ को जोड़ रहा है। सो इस तरीके से हमने निकाला कि हमारे पास पहले कितने प्रेजेंट थे, आठ यूनिट्स, आठ एटम प्रेजेंट थे और वो 1/8 के हिस्से में थे, तो टोटल कितने प्रेजेंट हुए, वन, यानी पूरा का पूरा एक एटम ही हमारे पास प्रेजेंट है। और मुझे निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है, वन, और उसका वॉल्यूम क्या है, ये मैं इंटू में वन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले सिर्फ एक ही एटम हमारे पास प्रेजेंट है जिसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, अभी आप क्यूबिक ले रहे हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब। नाउ अब नेक्स्ट थिंग इसके आपको करना क्या है कि आपको ये जो आर है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आर की, ये रेडियस की वैल्यू। तो देखो आर यहां पर क्या हो रहा है, ये जो एक आर है, R किसके बराबर है, a/2 के बराबर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का R डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस a है, ये पूरा डिस्टेंस a है, तो ये R हुआ, तो a/2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समझे, तो ये R क्या हो गया, a/2 के बराबर। तो मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको मिलेगा, आपको ये मिलेगा 4/3 πr, आर की जगह पे मैंने a पुट कर दिया, तो a क्यूब अपॉन में ए क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 πr, ये आपका पैकिंग फैक्टर है। आप इसको और भी सॉल्व करके पॉइंट्स, डेसिमल्स में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये आपको क्या मिला, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। और आपको हर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। इसमें एक टर्म और होती है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंस एटम विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर एटम इन अ यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ कितने इक्विडिस्टेंस एटम है इस पर्टिकुलर एक एटम के रिस्पेक्ट में। तो जो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6,
कितना होता है 6 सिंपल क्यूबिक की बात कर रही थी। ठीक है, अब जरा बॉडी सेंटर्ड में चलते हैं। ये तो था सिंपल क्यूबिक, बहुत ही इजी था। चलो सिंपल क्यूबिक से बॉडी सेंटर्ड से पहले फेस सेंटर्ड में चलते हैं। ये सिंपल क्यूबिक था, अब मैं फेस सेंटर्ड सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब की बात कर रही हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है, देखो ये आपको मिला एक क्यूब। ठीक है, ये क्या था, क्यूब है। और आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि इस क्यूब में 8 एटम्स इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट है। लेकिन मैंने बोला फेस सेंटर का मतलब है एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं एक क्यूब के। हर एक फेस पर एक एटम और आ जाए। ठीक है, हर एक फेस पर एक एटम और आ जाए, जैसे एक यहाँ पे आ गया, एक नीचे आ गया, एक ऊपर आ गया, एक यहाँ आ गया, एक इसके पीछे आ गया, एक साइड में आ गया। ठीक है, तो 6 और ज्यादा एटम आ गए। ठीक है, अब ये बहुत खिचपिच हो गया, चलो इसको 2D बना के बताती हूँ। देखो हमेशा जो एटम फेस पे होता है वो सिर्फ 2 के साथ शेयरिंग, 2 ही क्यूब्स यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर सकता है, 2 से ज्यादा के साथ शेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक बुक है और सपोज मेरे हाथ है। ठीक है, ये हाथ है, अब मैंने यहाँ पे लगाया है क्रीम लगाई है मैंने। ठीक है, इस हाथ में मैंने यहाँ क्रीम लगाई, और जब मैं अपना दूसरा हाथ यहाँ पे रख रही हूँ इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ 2 हाथ ही तो कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 2 हाथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसके बीच में तीसरा चौथा हाथ थोड़े ना कनेक्ट हो जाएगा। तो फेस पर जो एटम है वो कितने के साथ शेयर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ। तो एक चीज और, हम यहाँ पे पहले एटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके कॉर्नर्स पर कितने एटम थे, 8 एटम। कॉर्नर्स के कितने एटम है, 8 एटम। और कॉर्नर के जो एटम होते हैं वो 1/8 में की शेयरिंग के में होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 एटम मिला। ठीक है, उसके बाद 6 एटम और प्रेजेंट है। 6 एटम कहाँ प्रेजेंट है, इसके फेस पर। तो जो फेस पर 6 एटम प्रेजेंट है वो 1/2 की शेयरिंग में है। ठीक है, 1/2 की शेयरिंग में है, और ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, यानी ऑल ओवर आपको पास जो एटम है वो कितने हैं, 4, यानी इस पूरे फेस सेंटर में आपके पास 4 एटम है। ठीक है, चलो इसका मैं 2D व्यू आपको बना के दिखाती हूँ। देखो अगर मैं 2D व्यू इसका बनाऊँ तो ये मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये हुआ। ठीक है, और ऐसा मिला, देखो पहले मैं, ये है सेंटर, फेस सेंटर, और इसके यहाँ पे एक एटम, इसके यहाँ पे एक एटम, इसके यहाँ पे एक एटम, और इसके यहाँ पे एक एटम आपको इस तरीके से 2D में देखने को मिलेगा। ओके, फेस सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके, तो अभी मैंने निकाले कितने नंबर ऑफ एटम थे। तो जब मैं एटॉमिक फैक्टर निकालती हूँ, देखो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जब मैं निकालती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम, एक यूनिट सेल में कितने एटम का वॉल्यूम है। तो एटम कितने हैं, 4, 4 आपके पास इसके अंदर एटम है एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि एक का वॉल्यूम क्या है, स्फीयर है, तो 4/3 πr³ × 4, 4 एटम है, और एक यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम a³। ठीक है, नाउ आपको r रेडियस निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। r रेडियस आपको क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि जो a है, a की टर्म में आपको r को लेके आना होता है, सो कि आपका a कैंसिल हो जाए और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपका बन जाए। ओके, उसके लिए r देखना है। तो अब देखो यहाँ पे r क्या होगा, ये थोड़ा सा हल्का सा गलत बना है, हल्का सा वैसे नहीं गलत, क्या सही बना है, सही बना है। ठीक है, देखो इसमें R क्या होगा, R होगा आपका, मैं नाम दे देती हूँ, A B
सी डी, ओके ए बी सी डी। अब मैं यहाँ से डायगनल खींचती हूँ, ठीक है, मैंने ये डायगनल खींचा तो ये देखो इस ए सी डायगनल पर यहाँ पे मिल रहा है आर, ये होगा टू आर और ये हो गया आर, ठीक है, आर टू आर आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ए सी क्या वैल्यू कितना है, ए सी इज इक्वल टू फोर आर, कैसे आर प्लस टू आर प्लस आर, फोर आर, फोर आर के बराबर है। अब मुझे इस ए सी की वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे पास ए डी की वैल्यू है ए और बी सी की वैल्यू है ए, ठीक है, मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, डायगोनल की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम ए सी का स्क्वायर बराबर रूट में, ये हो गया ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और ए डी और डी सी क्या है, दोनों के दोनों रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए ए क्या हो गया टू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ए सी क्या आ गया, मेरे पास ए सी आ गया, ए सी मेरे पास आ गया, अब इससे मेरे पास ए सी आया ए रूट टू, ए रूट टू, ठीक है, ए सी कितना आया ए रूट टू, और ए सी क्या था फोर आर, तो मैं आर की फॉर्म रख देता हूँ, आर फोर आर बराबर ए सी, फोर आर बराबर ए रूट टू, और आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया ए ए रूट टू बाई फोर, ठीक है, आर बराबर कितना हो गया ए रूट टू बाई फोर। अब ए रूट टू बाई फोर को पुट कर दो आप इस ए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के फॉर्मूले में, पुट करो 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, आर क्यूब है ना, आर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा ए रूट टू बाई फोर का क्यूब इंटू फोर डिवाइडेड बाई ए का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब हम करते हैं, मैं क्लॉप कर देती हूँ, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया 4 बाई थ्री, मैं सब बिल्कुल खोल देती हूँ, मतलब बिल्कुल आपको एकदम खोल के समझा देती हूँ, ये हो गया 4 बाई थ्री पाई, ये देखो ये a है, ये क्यूब है, ये पूरे टर्म को में क्यूब लगेगा, तो ये जो a है इसको क्यूब किया तो ये आ गया a क्यूब, ठीक है, रूट टू, रूट टू भी थ्री टाइम्स है, क्यूब है उसका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि दो रूट टू इन दोनों को अगर मैं लूंगी तो ये टू बनाएगा और रूट टू वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब रूट टू का क्यूब क्या आया टू रूट टू, रूट टू का क्यूब क्या आया टू रूट टू डिवाइडेड बाई फोर इंटू फोर, डिवाइडेड बाई फोर नहीं, डिवाइडेड बाई फोर इंटू फोर इंटू फोर, क्योंकि फोर का भी तो क्यूब हुआ है, इस फोर का भी तो क्यूब हुआ है, तो फोर भी फोर थ्री टाइम्स आएगा, डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। अब कैंसिल करो, ये फोर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये फोर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, आपके पास जो बचा वो आएगा ऊपर में बचा है रूट टू, रूट टू, और नीचे में पाई भी बचा ऊपर में, पाई रूट टू, पाई रूट टू, नीचे में बता थ्री इंटू में टू सिक्स डिवाइड बाय सिक्स, ठीक है, डिवाइड बाय सिक्स। तो ये जो है अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये आपका अटोमिक पैकिंग फैक्टर है किसका, फेस सेंटर्ड का, ठीक है, अटोमिक पैकिंग फैक्टर किसका है, फेस सेंटर्ड का। अगर मैं यहीं पे ही बॉडी सेंटर का बना के आपको दिखाऊं, बॉडी सेंटर का में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड देखो, बॉडी सेंटर्ड ये बना आपका क्यूब, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, फिर बना दीजिए, ये बना आपका क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं बॉडी सेंटर की बात कर रही हूं, तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है ना उसका मतलब है कि क्यूब इनसाइड द बॉडी है, ठीक है, एक सॉरी एक एटम इनसाइड द बॉडी है, किस बॉडी के इनसाइड है, एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट के सेल के बाहर आठ एटम तो मिलेंगे ही आपको, आठ तो मिलेंगे ही आपको, उसके एवज में एक और मिलेगा जो बॉडी सेंटर्ड होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो देखो सॉरी ये जो आठ है ये वन बाई एट की शेयरिंग में है, ठीक है, लेकिन ये जो बॉडी सेंटर्ड है ये किसी से भी
शेयरिंग में नहीं होता, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 8 जो एटम है वो 1/8 की शेयरिंग में है, तो ये हो गया 1, और 1 एटम ऐसा है जो किसी शेयरिंग में नहीं है, तो 1+1 यानी 2 एटम्स जो है आपके पास मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 एटम आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ 2 एटम जब आपको यहाँ पे मिले, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 8 होता है, कोऑर्डिनेट नंबर 8 होता है ना, 2 एटम यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप और उसमें ये पुट भी कर सकते हो। मेन क्या निकालना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसको मैं 2D में नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये जो अंदर आपका एटम है ये खुद में ही मतलब 3D में है, तो आप 2D में नहीं देख सकते। तो देखो यहाँ पे मैं इसको पहले नंबरिंग दे देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और ये H, ठीक है, नंबरिंग से देखना। ये देखो ये जो अब मैं डायगनल खींचूंगी ना, तो ये डायगनल ये ए से सी को कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड नहीं है, ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर के कारण मैं चाहती हूँ कि इसको क्रॉस करता हुआ जाए आपका डायगनल, इस बीच वाले एटम को। तो अगर इस बीच वाले एटम को क्रॉस करवाना है तो ए से सी नहीं बल्कि ए से जी तक मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, ए से जी तक मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मतलब मैंने बहुत छोटा बना दिया, बट समझना, ये मैं फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। ये देखो ये कुछ ऐसा रहेगा, एटम, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, इतनी दूरी पर, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये आर शो करेगा, और ये जो बीच वाला एटम है ये पूरे दोनों को कनेक्ट करता होगा, ठीक है, ये 2R शो करेगा, ठीक है, ये R, ये 2R और ये R, यानी आपका जो ए जी है वो क्या हो जाएगा, 4R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप वो ही फॉर्मूला लगा के ए जी नहीं निकाल सकते, ए जी वही फॉर्मूला लगा के जो आपने पिछले में लगाया था, वो फॉर्मूला लगा के ए जी नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस डी और जी की, डी और जी मतलब, क्योंकि आप एक ट्रायंगल ले सकते हो ए जी डी, ए जी डी इन ट्रायंगल ए जी डी, ठीक है, ए जी डी इस ट्रायंगल में, अगर आप, क्योंकि ए और डी की वैल्यू क्या है, ए, ये आपको पता है, लेकिन डी और जी की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी और जी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप ए जी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। डी और जी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो कैसे है कि देखो, इन ट्रायंगल डी सी जी, डी सी जी ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें डी और जी क्या है, हाइपोटेनस है, तो डी जी का स्क्वायर बराबर, और ये डी ए, डी सी क्या है, ए, और सी जी क्या है, ए, ठीक है, तो डी सी का स्क्वायर प्लस ए सी जी का स्क्वायर, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा रूट ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यानी 2√2, डी जी का वैल्यू कितना आया, ए रूट टू डी जी का वैल्यू आया है। अब इस डी जी के वैल्यू को इस ट्रायंगल में फिट करते हैं, ठीक है, ए√2 आ गया डी जी का वैल्यू। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया, अब मैं ऊपर कर देती हूँ, ट्रायंगल लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए जी डी ये ट्रायंगल लिया, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, ए और जी, यानी मुझे ए और जी का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर, डी जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी क्या है, ए डी क्या है, ए डी ए है, ए डी की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस डी जी की वैल्यू यहाँ निकाली है ए√2 का स्क्वायर, ठीक है, ए√2 का स्क्वायर, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखो ये तो आपने निकाल लिया, अभी इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है, देखो ए√2 इंटू में ए√2, ठीक है, ए को एक साथ कनेक्ट करो, ए स्क्वायर बन जाएगा, और √2 क्या बनता है, 2 बनता है, क्या बनता है, 2। मैंने पिछली बार में बताया था 2 रूट आपस में सेम नंबर के होते हैं, तो वो एक बिना रूट का नंबर अनरूट नंबर बनाता है, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 2√2 यहाँ पे मिला 2a², ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, इसका टोटल हो गया 3a² √, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, a √3।
ए रूट थ्री, यानी ये जो ए जी की वैल्यू थी वो कितनी आई, ए रूट थ्री, और ए रूट थ्री आई तो उसको मैं ए जी क्या था, ए जी है आपके पास आर प्लस टू आर प्लस आर, ठीक है, यानी 4R, इस 4R को इस AG के बराबर रख दो, कितना है A root 3, तो R का वैल्यू आपको मिल जाएगा A root 3 by 4, और इस वैल्यू को एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में आप जब रखेंगे APF में, APF में, APF क्या होगा आपका, यह आप खुद निकालेंगे, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ूंगी, APF, APF क्या होगा, कितने एटम्स थे इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ आपको दो मिले, दो मिले ना, 2 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब, इस आर क्यूब की जगह पे आप क्या रखोगे, ए रूट 3 बाई 4, और इसको सॉल्व करो और इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आप खुद से निकालो, ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है।